नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में, जिनका सबका इंतजार था, जिस वैकेंसी का यूपीएसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल मिनिस्ट्रियल और अकाउंटेंट की भर्ती आ चुकी है आपके सामने। कल हमने इस पर आपके नोटिफिकेशन के बारे में बताया था और कहा था कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। टीम ने इसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया है आपके कहने पर, और आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके या live.parikshaplus.org से जाकर उससे जुड़ सकते हैं। और रही बात आपकी सबसे बड़ी कि अगर यहां पर फॉर्म फिल करना है तो कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, टाइपिंग स्पीड क्या चाहिए, इन सभी का डिटेल वीडियो में इसमें आपको बता दूंगा। और एक वीडियो और जो आप लोग काफी कल से ही रात से फोन करके आप पूछ रहे हैं कि सर ओ लेवल के इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि नोटिस में जो दिया गया है आपका नोटिफिकेशन में कि प्रशिष्टि 3 में दिया गया है ओ लेवल के इक्विवेलेंट, और वो पेज आपके नोटिफिकेशन में नहीं है, 2 तक है, तीसरा नहीं है, तो तीसरा पेज क्या हो सकता है वो मैं आपको अगली वीडियो जो होगी ओ लेवल के इक्विवेलेंट उसमें मैं बताऊंगा। अभी आप यहां ध्यान दीजिए कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या सैलरी हो सकती है, एज रिलैक्सेशन क्या होगा। बाकी जिनको भी एज रिलैक्सेशन के लिए हमने कहा था कि जो बच्चे अगर आप साथ दोगे तो जाहिर सी बात है हम पूरी कोशिश करेंगे अपने तरफ से। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए कि यहां पोस्ट कितनी है आपकी, तो पोस्ट बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा पोस्ट आपकी कितनी है। टोटल एक अगर हम गोपनीय की बात करें, जो एसआई की पोस्ट होती है सबसे जबरदस्त एसआई, जिसको स्टेनो बाबू बोलते हैं, ठीक है, ये स्टेनो बाबू होते हैं उपनिरीक्षक, यहाँ आपके 9300 है या 34800 आपका बेसिक होगा, ये ध्यान रखिएगा 34800 से बेसिक आपका स्टार्ट होगा तो अच्छा खासा सैलरी आपकी बनेगी, 268 पद है। और सहायक उपनिरीक्षक एएसआई है, ये क्या है, एएसआई मिनिस्ट्रियल जिसको आप लोग बोलते हैं, वो है मिनिस्ट्रियल वाला पद है, इसमें समूह ग में आता है, इसकी जो अगर 29200 से इसका बेसिक स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके 449 पद हैं। और यहां पर आपका अगर हम बात करें तो ये अकाउंट है, एएसआई क्या है, अकाउंट वाले हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये लेखा है, ये भी आपका 29200 से बेसिक स्टार्ट होगा, तो 30 और 10 और मान लो 40, 42, 45 का लमसम इनका मिलेगा और 60 के अप्रोक्स वो लोग जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा 55 के अप्रोक्स। तो यह सैलरी में अलग से डिस्कस कर दूंगा, 921 पद टोटल हैं। अब कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, उसके लिए क्या अर्हता चाहिए, तो यहां पर ध्यान से आप लोग देखिए थोड़ा सा, ये अर्हता है एसआई के लिए, जो एसआई स्टेनो के लिए, स्टेनो की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एसआई बनना चाहते हैं, स्टेनो जो कॉन्फिडेंशियल जिसको बोला जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल का अर्हता है, क्या होना चाहिए, आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और आपको क्या आना चाहिए, कम से कम यहां देखिए गोपनीय का है ना, 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, किसमें, मंगल इंस्क्रिप्ट में, ये ध्यान रखिएगा मंगल इंस्क्रिप्ट में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, मंगल इंस्क्रिप्ट की टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी में 25 चाहिए और इंग्लिश में 30 शब्द चाहिए, तो यहां पर हिंदी टाइपिंग भी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग, इसमें आपका 25 चाहिए और इसमें आपका 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। साथ ही साथ दूसरा बोला है, क्योंकि स्टेनो का पद है तो 80 शब्द प्रति मिनट आपका क्या होगा, यहां पर स्टेनो लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, तो स्टेनो भी आपको 80 वर्ड का चाहिए। और साथ ही साथ एसआई स्टेनो में क्या होना चाहिए, तीसरी बात कि आपको राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्था नीलेट सोसाइटी या डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारण किया हो। अब समकक्ष में अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट ऑफ आपका उत्तर प्रदेश जो जीओ आया था, जिसमें आपके अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्रियां बताई गई थी, क्या वो चीजें फॉलो होंगी इसमें, या जो पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपना ओ लेवल के इक्विवेलेंट निकाला था वो फॉलो होगा, तो वो हम देखेंगे जब प्रशिष्टि 3 आएगी, लेकिन चांसेस यही है मैक्सिमम कि पुलिस भर्ती बोर्ड का जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट निकाला गया था वही फॉलो हो।
उसके हम अगली वीडियो पे थोड़ा और कंफर्मेशन करके हम आपको बताएंगे, अभी उस पर बात चल रही है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक की बात करें तो ASI मिनिस्टीरियल की बात करते हैं। मिनिस्टीरियल में आपके कौन कौन से क्या होना चाहिए, यहां पर आपको कोई स्नातक उपाधि होना चाहिए, कहीं से भी ग्रेजुएशन होना चाहिए स्नातक की अगर आप उपाधि रखे हैं तो। और यहां पर आपको हिंदी टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग जो होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोनों टाइपिंग आपको आती है तो आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ओ लेवल या इसके या इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिए BCA, BTEC है ना, PGDCA, ये आप ध्यान रखिएगा। PGDCA जिसका PCM ग्रुप से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला हो वो, अभी बाकी लोग बायोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा, अभी उनके लिए अलग से मैं करूंगा। ये BTEC, BCA और एक साल वन ईयर अपने ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने कहीं भी पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो वो एप्लीकेबल होंगे। बाकी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या होगा ओ लेवल के समकक्ष, आपके पुलिस भर्ती बोर्ड के भी ओ लेवल की समकक्षता दिखाऊंगा और आपका जो GO आया था उसका भी बताऊंगा। अब अगर हम बात करें लेखा में, अकाउंट वाले में क्या आपको चाहिए ASI अकाउंट में, तो ASI अकाउंट में आपको BCOM चाहिए। क्या चाहिए, BCOM या MCOM आपका हो उसके पक्ष आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यहां देखिए आपकी टाइपिंग स्पीड सिर्फ हिंदी मांगता है, इसमें इंग्लिश नहीं मांगता है। यहां कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट गति में हिंदी टंकण होना चाहिए, यहां दोनों टाइपिंग देना जरूरी नहीं है, हिंदी का 15 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी मांगी जाती है और ओ लेवल मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है, ओ लेवल मांगा जाता है या इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं। तो इस इक्विवेलेंट की वीडियो आपकी कई पड़ी है, हमने डाला है, उसको भी देख सकते हैं। अब आते हैं एज कितना होना चाहिए। एज तो एज आपका 21 से 28 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 21 से 28 जनरल के लिए है और 5 साल का रिलैक्सेशन, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है आप सभी को, किसको, SC, ST और OBC तीनों लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो 33 साल OBC की एज रिलैक्सेशन होगी, SC की होगी, ST की होगी। 1/7/2023 को अगर आपका 28 पूरा हुआ है, ठीक है, अगर आप जुलाई में 29 के हो गए लेकिन 1/7 तक आप 28 के ही थे तो ये जानना आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इससे इसके बीच में आपका DOB होना चाहिए, 95 से 2002 वाला ये जो दिया है। अगर हम बात करें कि परीक्षा कैसी होगी तो परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 2.5 आवर का परीक्षा होगा, 400 मार्क्स का होगा ये ध्यान रखिएगा, 200 क्वेश्चन होंगे ये ध्यान रखिएगा, सभी के 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी और कंप्यूटर के, आपके 25 क्वेश्चन 25 इसके होंगे, बाकी यहाँ 50 क्वेश्चन होगा GS वाला, मैथ और रीजनिंग मिला 50, फिर रीजनिंग अकेले 50, इसमें मानसिक अभिरुचि भी आती है तो वो भी आपके 10-12 क्वेश्चन प्लस बाकी रीजनिंग रहता है, तो टोटल आपका 200 क्वेश्चन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हर सेक्शन में आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है, हर सेक्शन में 35% मार्क्स जब लाओगे तो आप पास कहलाओगे, और ओवरऑल आपको 40% ये मिनिमम होना चाहिए, ओवरऑल आपका 40% पर क्या होता है, पास माना जाता है, बाकी मेरिट तो उसके बाद बनती है, इतना नहीं जिसका आया तो वो ऐसे ही फेल हो जाएगा, मेरिट में आने के बाद ही छोड़ दो। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्या इसमें मांगता है, फिजिकल बहुत दौड़ और नहीं मांगता है, बस आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो आपका ये फिजिकल टेस्ट होता है और इसी के साथ DBPST भी होता है, जो DB भी होती है ये भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी टाइपिंग होती है, DB होने के बाद टाइपिंग होती है। यहां आपसे क्या बोला है, यहां ऊंचाई जो हाइट होनी चाहिए, अगर मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें जाए तो सभी कैटेगरी में 163 आपका हाइट होगा, सभी कैटेगरी में 163, सभी कैटेगरी का मतलब ST को छोड़ के आपका जनरल, OBC और SC इनकी हाइट इतनी होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट का, ST का कोई मेल है तो इनकी जो हाइट होनी चाहिए वो आपका 156 होना चाहिए,
कितना 156 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये हाइट मांगता है, बाकी और कुछ नहीं मांगता है, इसमें ध्यान रखिएगा। सीने का फुलाव जो मांगता है वो ध्यान दीजिए, सीना आपका क्या, चेस्ट क्या मांगता है। चेस्ट अगर मेल कैंडिडेट की बात करें, एससी और जनरल ओबीसी इन सभी के लिए 77 होना चाहिए और फूलने के बाद 82 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और अगर हम बात करें एसटी की, तो यहां पर एसटी में आपका कितना होना चाहिए, 75 होता है और फूलने के बाद 80 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल की जो हाइट होती है, फीमेल की हाइट आपकी बहुत कम मांगी गई, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। चेस्ट नहीं होना चाहिए, वेट आपका 40 से ज्यादा होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो हाइट आपका ये वुमेन के लिए हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कि यहाँ कुछ चीजें कि आपका प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले आपका प्रोसीजर क्या होता है, ये ध्यान रखना कि आपका रिटेन टेस्ट होता है। रिटेन टेस्ट के बाद आपका जब मेरिट बनेगा तो दूसरे में आपका डीबी होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो आपका एक तरह से बोला जाए तो वहां पे हाइट वेट चेक की जाएगी, डीबी पीएसटी। इसके बाद से आपकी क्या होगी, टाइपिंग होगी। और टाइपिंग आपके जो एसआई वाले हैं, एसआई एएसआई और एएसआई अकाउंटेंट, मिनिस्ट्रियल और अकाउंटेंट, इन सबकी टाइपिंग होगी। अकाउंटेंट वालों की डिपेंड करता है, आप सब में फॉर्म भर सकते हो क्योंकि आप ग्रेजुएशन हो, तो बीकॉम वाले तो इसमें भी भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं। अगर आपको स्टेनो आ रही है तो आप एसआई भी भर सकते हो, मिनिस्ट्रियल भी भर सकते हो, आप अपने कैटेगरी में रहोगे। तो आपको टाइपिंग फिर सबकी देनी होती है, ठीक है। बाकी अकाउंटेंट वाले की टाइपिंग अलग से होती है। जो लोग टाइपिंग में पास होंगे, मान लो कोई बंदा एसआई का भी भरा है, एएसआई का भी भरा है, तो टाइपिंग तो आपको एसआई वाले को भी देना है, एएसआई वाले को भी देना है। अगर आप टाइपिंग में क्वालिफाई होते हो तो फिर जो स्टेनो जिनको आती होगी उनको स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए टाइपिंग में तो आपको स्टेनो के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने सिर्फ एएसआई मिनिस्ट्रियल भरा होगा वो सिर्फ अपना टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद से सीधे उनकी क्या बनेगी, मेरिट बनती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें होती हैं। और चौथा आपका लास्ट सिलेक्शन होता है, टाइपिंग होगा, उसके बाद से आपका सीधे सिलेक्शन लिस्ट आएगी, और सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया एग्जाम का पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो जितने लोग भी इसकी आहार्ता रखते हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रही बात जनरल की एज रिलैक्सेशन के लिए, तो आप लोग जैसे मैंने कहा, अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर टीम परीक्षा प्लस उस पर कोई ना कोई कदम उठाएगी। तो जैसे मैंने कहा था उस वीडियो में कि कमेंट जरूर करिएगा कि जो भी होगा हम आपकी बातों को बोर्ड के सामने जरूर रखेंगे। बाकी ओबीसी और इन सबको लिए तो अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन है। जिन्होंने ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष आहार्ता रखा है, पीजीडीसीए किया है, एडीसीए किया है, डीसीए किया है, जहां से भी आपने एक साल का, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, ओ लेवल के इक्विवेलेंट 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा आपने, ऐसा नहीं कि कहीं से कर लिया, 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा कहां से किया हो, किसी यूनिवर्सिटी से किया हो, या ना किसी यूनिवर्सिटी से किया हो जो यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड हो, या कोई ऐसी संस्था जिसको नीलेट का उपलब्धि मिली हो, नीलेट के द्वारा सर्टिस्फाइड हो, सर्टिफाइड किया गया हो, ठीक हो, ये ध्यान रखिएगा। नीलेट का उस पर क्या हो, एक तरह से नीलेट के द्वारा जो कोर्स चलाया जा रहा है उसके सर्टिफिकेट पे बकायदा नीलेट लिखा हो तो वो मान्य होंगे, ऐसे संस्थाएं नहीं मान्य होंगी। या आपका ये कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की संस्थाएं हैं, जो एक साल का कोर्स कराई है कंप्यूटर का, वो मान्य होगा। लेकिन जो गाँव में ऐसे आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप एडीसीए लेके जाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। इसकी डिटेल वीडियो में, अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो आप लोगों को उम्मीद होगा कि जितने यहाँ पर आहार्ता दिया गया है वो कंफर्म हो गया होगा कि आप लोगों के लिए क्या चाहिए। एसआई स्टेनो बनना है, स्टेनो बाबू बनना है, तो ग्रेजुएशन के साथ आपको स्टेनो आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, ये चीजें। मिनिस्ट्रियल में जाना है, एएसआई की पोस्ट पे जाना है, तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। और एएसआई अकाउंटेंट में जाना है तो आप बीकॉम एमकॉम किए हो और टाइपिंग में एकदम सोते हुए 15 वर्ड की टाइपिंग है, हिंदी की सिर्फ, इंग्लिश जरूरी नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं।
और स्टेनो के लिए और एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, एक में 25 वर्ड वो भी मंगल फॉन्ट में और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये अहर्ता आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप सभी फॉर्म जब 7 तारीख से स्टार्ट होगा सभी लोग जरूर फॉर्म भर लीजिएगा। जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप जरूर यहां पर कमेंट करिएगा। और जिन्हें भी परीक्षा प्लस टीम के साथ जुड़ना है तो बैच इसका टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। आप live.parikshaplus.org आप ओपन करिएगा। यहां देखिए, आप जैसे ही live.parikshaplus.org ओपन करेंगे सबसे पहले यूपीएसआई एएसआई का बैच 2.0, क्योंकि एक बैच हमने ऑलरेडी चला रखा है, उसको फिनिश हो चुका है मैक्सिमम, तो ये आपको ₹799 प्लस जीएसटी है। तो अभी 7 तारीख तक जब तक आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा नहीं हो रहा है तब तक आप सभी के लिए जीएसटी जो है ये फ्री कर दिया गया है, आप सभी यहां से परचेस कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर का भी नोटिस जल्द ही आ जाएगा, उन्हें भी जिनको लेना होगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बैच 2.0 आपका नया चल रहा है। तो एसआई में जिनको भी इनरोल होना है आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें या वेबसाइट के थ्रू जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।